हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम आपको आपकी ईवीएस बुक बैलेंस इन नेचर का लेसन थर्ड अंडरस्टैंडिंग अवर बॉडी के क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। हमें एक्सटर्नल और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंस बताना है। जो एक्सटर्नल कौन से होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, और इंटरनल जिनको हम नहीं देख सकते, अंदरूनी पार्ट्स होते हैं, उनके अंदर हमें डिफरेंस बताना है। तो एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स दोज बॉडी पार्ट्स डैट वी कैन सी आर कॉल्ड एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स। जैसे हेड, लिप्स, ऐसे बॉडी पार्ट्स जिनको हम देख सकते हैं उनको हम एक्सटर्नल बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे हेड है, लिप्स है, इनको हम देख सकते हैं। माउस है, आर्म है, लेग है। और इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स द बॉडी पार्ट्स डैट वी कैन नॉट सी आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। ऐसे बॉडी पार्ट जिनको हम नहीं देख सकते उनको हम इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे ब्रेन है, लंग्स है, जिनको हार्ट है, इनको हम नहीं देख सकते। क्वेश्चन सेकेंड इज डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ माउथ एंड हैंड्स। हमें माउथ और हैंड्स के बारे में बताने कि माउथ हमारे किस काम आता है, हैंड्स हमारे किस काम आते हैं। माउथ द टू मेन फंक्शन ऑफ माउथ आर ईटिंग एंड स्पीकिंग। जो माउथ होता है उससे हम खाना खा सकते हैं, बोल सकते हैं। और हैंड होते हैं, द फंक्शन ऑफ हैंड इज ग्रिप, राइट, क्रैप, लिफ्ट, थ्रो। जो हैंड होते हैं उसके द्वारा हम लिख सकते हैं, क्लैप कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, बहुत सारे काम करते हैं हैंड के द्वारा भी। क्वेश्चन थर्ड, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। हमें लंग्स हमारे फेफड़े और हार्ट के बारे में बताने कि लंग्स का क्या काम होता है और हार्ट हमारे किस काम होते हैं। हमारे बॉडी में हार्ट का क्या काम होता है। लंग्स जो हमारे फेफड़े होते हैं, द लंग्स मेन रोल इज टू ब्रिंग इन एयर फ्रॉम द एटमोसफियर एंड पास ऑक्सीजन इन टू द ब्लड स्ट्रीम। जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। वो हवा से और बाहर से वातावरण की हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और हमारी बॉडी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाते हैं। द हार्ट पंप्स ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हार्ट होता है वो हमारी बॉडी में ब्लड पहुंचाता है। क्वेश्चन फोर्थ, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ आइज एंड ईयर। आइज और ईयर्स के फंक्शन बताने हैं। आँख हमारे किस काम आती है और ईयर हमारे किस काम आते हैं। द फंक्शन ऑफ आइज इज टू सी एनिमल्स, प्लांट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। जो आईज होते हैं उसके द्वारा हम जानवरों को देख सकते हैं, पौधों को देख सकते हैं, बहुत दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं। ईयर्स, द फंक्शन ऑफ ईयर इज टू द हियर वेरी साउंड लाइक म्यूजिक एंड डायलॉग्स। और ईयर कानों के द्वारा हम बहुत सारी म्यूजिक और डायलॉग्स को सुन सकते हैं। ओके।